राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन जनपद इकाई के बैनर तले सोमवार को मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत कार्यालय के समक्ष जूनियर इंजीनियरों ने 24 घंटे का उपवास किया, जिसके संबंध में जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के सभी जनपदों के पदाधिकारी एवं समुदायों द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे के उपवास कार्यक्रम में शामिल रहे। हमारी प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति, वरिष्ठता निर्धारण, पुरानी पेंशन, ग्रेड पे से जुड़ी समस्याएं एवं लाइनों और उपकेंद्रों के ब्रेकडाउन अटेंड करने हेतु मेंटेनेंस सामग्री का उपलब्ध नहीं होना है। या डिस्ट्रिक्ट के अनुसार विभाग में कार्मिकों की तैनाती हेतु कुछ मुद्दों पर सहमति और आदेश के बावजूद क्रियान्वयन नहीं होने के विरोध में एवं प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता का रुख अपनाने के विरोध में 24 घंटे का उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर प्रदेश स्तर पर कर्मचारी क्रमिक अनशन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुनीत कुमार निगम, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्रनाथ भारती, दीपक गुप्ता सहित अन्य जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, और जो सोए हुए हैं वो भी थोड़ा सीधे उतर के बैठ जाएं। जिंदाबाद बंद करो। मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अजय कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उत्तर प्रदेश। आज आप लोग किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हमारी मांगे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हम लोग व्यवस्था के लिए भी बैठे हैं। हमारी कुछ वित्तीय मांगे हैं। हमारा ग्रेड पे 4600 हुआ है और वो 31/12/2016 से हुआ, जबकि होना चाहिए 1/1/2006 से। उसकी हमारी डिमांड है कि 4600 को 1/1/2006 से लागू किया जाए। हमें प्रोन्नत दीर्घा में 4800 ग्रेड पे को नॉन फंक्शनल कराने की हमारी डिमांड है। 8700 तृतीय समय वैध वेतनमान 8700 जिसका आदेश भी हो चुका है लेकिन पे स्लिप जारी नहीं की जा रही है, वो पे स्लिप जारी कराना है। तमाम प्रदेश में रोज मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए कोई प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि आप बिजली किसी का कनेक्शन नहीं काटेंगे, दूसरी तरफ प्रबंधन चाहता है कि रोज़ हम कनेक्शन काट के और लोगों को परेशान करें। इस परिस्थिति में हम काम करने में बड़ी ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन है। हमारा ये आंदोलन चल रहा है पिछले हफ्ते से, 7 तारीख से ही चल रहा है और 7 तारीख को पहले हम लोगों ने इन लोगों को ज्ञापन दिया कि हमारी बातें सुनेंगे, मानेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन प्रबंधन गूंगा बहरा है। उसके बाद हमारा ये 13 तारीख को एक दिन का 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हर जिले मुख्यालय पे चल रहा है। कल हमारी वार्ता भी हुई प्रबंध निदेशक पावर कॉर्पोरेशन से, लेकिन वो अपने ही गुरूर में अभी व्यस्त हैं, इसलिए वो वार्ता विफल हो गई और हमारा कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अगला हमारा कार्यक्रम है 21/22 को हम 48 घंटे के क्रमिक अनशन पे रहेंगे और उसके बाद से हमारा, अगर तब भी बात नहीं मानी गई तो 27 तारीख से हमारा अनवरत क्रमिक अनशन चलेगा शक्ति भवन लखनऊ पे, जिसमें प्रदेश भर के लोग क्रम से प्रतिदिन कम से कम 51 की संख्या में हमारा क्रमिक अनशन चलेगा।